और अब जब 15 दिन बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह को पैरोल मिली तो आरजेडी की ओर से कहा गया है कि तरह से पैरोल मिलना और उपकरण बनकर रह गया है पैरोल पॉलिटिक्स। अनंत सिंह को पैरोल दुर्भाग्यपूर्ण है और चुनाव आयोग इसको देखे तो आरजेडी ने निशाना साधा है इस बात को कि अनंत सिंह को जब पैरोल मिली और उन पर फूलों की बरसा भी हुई है। ये मुझे क्यों बता रहे हैं? ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन से होना चाहिए, ये सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए। मैं पैरोल में नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं उस कमेटी का सदस्य नहीं हूँ। लेकिन ये तो तय हो गया है ना कि पैरोल एक पॉलिटिकल उपकरण बन के रह गया। और अगर किसी भी देश में, किसी भी राज्य में अगर पैरोल एक राजनीतिक उपकरण बन के रह जाता है तो क्या ही कहें, मुखे कानून। बिहार के मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पैरोल पर जेल से बाहर आए। अनंत के बाहर आने पर लोगों ने उन पर जेसीबी से फूल बरसाए। एक मिनट की रिपोर्ट देखिए। बिहार के बाहुबली और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह एक बार फिर से जेल से बाहर आए हैं। सुबह सुबह जैसे ही अनंत सिंह ब्यूर जेल से बाहर आए, बाहर भारी समर्थकों का हुजूम नजर आया। जेल से सीधे बाहुबली बाढ़ गए, जहां ANS कॉलेज बोर्ड पर अनंत सिंह के नाम किनारे लगे। लोगों ने जेसीबी मशीन से फूलों की बरसा की, अनंत सिंह का स्वागत भी हुआ तो किसी ने फूलों की माला पहनाई। अनंत सिंह 15 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं। मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को होने वाली वोटिंग से पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं। ऐसे वक्त में उनके जेल से बाहर आने पर चुनाव रोचक हो गया। अनंत सिंह ने पहले ही NDA समर्थित JDU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का समर्थन किया है और माना जा रहा है कि ललन सिंह के चुनाव प्रचार के लिए ही उनको पैरोल मिली है। अनंत सिंह लगभग 5 सालों से जेल में बंद है। अनंत सिंह पर AK-47 रखने का आरोप, जिसके तहत कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। सीएम योगी ने परिवारवाद पर साधा निशाना, कहा विपक्ष का स्वार्थ बस इनके परिवार तक सीमित, देश की जनता चुनाव में इन्हें देगी सही जवाब। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा देश की सुरक्षा और जवानों की शहादत का किया अपमान, विपक्ष देश का माहौल खराब करने की करता है काम। राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार पैदा करना चाहते हैं राहुल गांधी, विभाजन की आग से खेल रहे हैं राहुल। अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार KL शर्मा का बयान, कहा मैं कोई गांधी परिवार की नौकरी नहीं कर रहा, मैं एक शुद्ध राजनीतिक हूं और अब मैं स्मृति ईरानी को भी हराऊंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र बेहद खराब, अर्थव्यवस्था के लिए घोषणा पत्र खतरनाक है। आप सांसद संजय सिंह ने PM मोदी पर किया हमला, कहा PM को भ्रष्टाचारियों से परहेज नहीं है, देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल कर लिया। आप नेता गोपाल राय ने BJP पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल को बिना किसी सबूत के जेल में डाला और इसे लेकर दिल्ली के लोग बहुत नाराज हैं। 25 मई की तैयारी कर रहे हैं कि वोट की ताकत से हम जेल का जवाब देंगे। असम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में BJP उम्मीदवार बिजली कलिता मेधी के समर्थन में जनसभा की, वहीं बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेसलर बजरंग पुनिया का NADA ने लिया एक्शन, बजरंग पुनिया को किया गया सस्पेंड, डोप टेस्ट ना देने पर सस्पेंड। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन जमात ए इस्लामी पर कार्रवाई तेज, पुलिस ने लोगों को आतंकी संगठन से दूर रहने की चेतावनी दी है। पुंछ हमले को लेकर सुरक्षा बलों का एक्शन, 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, संदिग्धों पर आतंकियों की मदद का शक। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। सारे सनातन ही खतरे में, सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं। जब बात सनातन की हो तो प्रधानमंत्री मोदी खुद फ्रंट फुट पर होते हैं और सनातन विरोधियों को चुन चुन कर जवाब देते हैं। ऐसा ही नजारा बिहार की चुनावी रैली में देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने RJD नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री
तेजस्वी यादव के सनातन विरोधी बयान पर जमकर घेरा और कहा कि अब ये लोग सेना में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। पटना के शहजादे को लगता है पूरा बिहार इनकी जागीर है। जैसे शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी हमलावर क्यों हैं और आखिरकार क्यों तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल चुनावों में वोटों को साधने के लिए अब आरजेडी सनातन पर उंगली उठा रही है। चुनाव के बीच वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव अब राष्ट्रपति और सेना को भी अपनी इस नफरत वाली राजनीति में जानबूझकर खींच रही है। तेजस्वी का बयान भी सुनिए जिसमें वो सनातनियों पर उंगली उठा रहे हैं, एक विशेष वर्ग को भड़का रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? अरे ये सब ठग लोग हैं, ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है। तो सुना आपने विपक्ष की राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। मोदी और बीजेपी पर हमला करने के बजाय तेजस्वी ने सीधे सनातन पर हमला बोल दिया। अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को रिझाने के लिए हिंदू मुस्लिमों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी को सीधा जवाब भी दिया और अब प्रधानमंत्री की टीम भी तेजस्वी से सवाल पूछ रही है। जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी लगे हैं और लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं और ये तुष्टिकरण करने वाले लोग सत्ता एन केन प्रकारन प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत है। आरजेडी अपनी राजनीति में MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को साधने के लिए जानी जाती है और वही आरजेडी की जड़ें हैं और इन्हीं जड़ों को पनपाने के लिए तेजस्वी बंटवारे वाला बयान दे रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र की राजनीति में विकास का मंत्र फूंका है, तब से पूरा विपक्ष बगले झांक रहा है और सोच रहा है कि आखिर अब कैसे अपनी खिसकती सियासी जमीन बचाई जाए। और यही वजह है कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तेजस्वी यादव राष्ट्रपति और सेना पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब बिहार NDA के नेता तेजस्वी को याद दिला रहे हैं कि बिहार में अब विकास की बयार बहेगी, ना कि खाई पैदा करने वाले सांप्रदायिक बयान। ये वही RJD है जो अपने सहयोगी दलों के बलबूते केंद्र की सत्ता में आने को लालायित बैठी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को बार बार याद दिलाते रहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लालू परिवार की अब केंद्र में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सरकारें भ्रष्टाचार की नहीं विकास की बात करती हैं और बांटने वाली राजनीति की नहीं बल्कि विश्व गुरु भारत की बात करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहजादे वाले बयान के बाद अब प्रतिक्रिया भी आ रही है। खुद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए क्या बयान सामने आया, क्या कुछ और कहा है, सुनाते हैं आपको। वो पीरजादे हैं, पीरजादे का मतलब बुजुर्ग हैं और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं लेकिन सच कम झूठ ज्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा, मिथिला की धरती पे आए हैं तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। झंझारपुर हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, लगातार NDA के सांसद
केंद्र में उनकी सरकार और बिहार में उनकी 17 साल से सरकार, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आए थे तो थोड़ा चले जाते, जो दरभंगा एम्स देख लेते कि क्या स्थिति है। लोग जाता है शोभन, ढूंढ रहा एम्स कहाँ है, किसी को मिलता ही नहीं, लौट के चले जाते हैं लोग। और अब जब 15 दिन बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह को पैरोल मिली तो आरजेडी की ओर से कहा गया है कि तरह से पैरोल मिलना और उपकरण बनकर रह गया है पैरोल पॉलिटिक्स। अनंत सिंह को पैरोल दुर्भाग्यपूर्ण है और चुनाव आयोग इसको देखे तो आरजेडी ने निशाना साधा है इस बात को कि अनंत सिंह को जब पैरोल मिली और उन पर फूलों की बरसा भी हुई है। ये मुझे क्यों बता रहे हैं? ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन से होना चाहिए, ये सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए। मैं पैरोल में नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं उस कमेटी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन ये तो तय हो गया है ना कि पैरोल एक पॉलिटिकल उपकरण बन के रह गया है। और अगर किसी भी देश में, किसी भी राज्य में अगर पैरोल एक राजनीतिक उपकरण बन के रह जाता है तो क्या ही कहें, मुखे कानून। बिहार के मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पैरोल पर जेल से बाहर आए। अनंत के बाहर आने पर लोगों ने उन पर जेसीबी से फूल बरसाए। एक मिनट की रिपोर्ट देखिए। बिहार के बाहुबली और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह एक बार फिर से जेल से बाहर आए हैं। सुबह सुबह जैसे ही अनंत सिंह ब्यूर जेल से बाहर आए, बाहर भारी समर्थकों का हुजूम नजर आया। जेल से सीधे बाहुबली बाढ़ गए, जहां ANS कॉलेज बोर्ड पर अनंत सिंह के नाम के नारे लगे। लोगों ने जेसीबी मशीन से फूलों की बरसा की, अनंत सिंह का स्वागत भी हुआ तो किसी ने फूलों की माला पहनाई। अनंत सिंह 15 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं। मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को होने वाली वोटिंग से पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं। ऐसे वक्त में उनके जेल से बाहर आने पर चुनाव रोचक हो गया। अनंत सिंह ने पहले ही NDA समर्थित JDU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का समर्थन किया है और माना जा रहा है कि ललन सिंह के चुनाव प्रचार के लिए ही उनको पेरोल मिली है। अनंत सिंह लगभग 5 सालों से जेल में बंद है। अनंत सिंह पर AK-47